क्या आप बहुत परेशान हैं नए टीडीएम मोड से? क्या आप गन सेलेक्ट कर नहीं पा रहे हो नए टीडीएम मोड में? तो आप सही वीडियो पर आए हो। आज अपन आपको बताएगा कि कैसे सेलेक्ट करें गन और कैसे खेले नए टीडीएम मोड। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी। नहीं यार पाशा भाई, कुछ नया डायलॉग बनाओ यार। क्या रमेश, बिना किसी बकचोदी के वगैरह कुछ नया डायलॉग निकालो यार तुम। तो हम आपको बताएंगे भाई, तो आप सही वीडियो पे है तो शुरू करते हैं। चलो डालो पाशा भाई, जरा इंट्रो डालो। मस्त है ना इंट्रो, आ गए ना। तो आप लोग परेशान हो गए होंगे नए अपडेट के बाद में, मतलब नए टीडीएम, नए रेज गियर, टीडीएम रेज गियर पिकअप एकदम फोड़म फोड़ दार धूम चल रही है सब चीज, मुझे पता है। तो टीडीएम मोड में आपको पता होगा कि गन कैसे सेलेक्ट करें। गन सेलेक्ट करने पर आपको सारा, शायद आपको हर हमेशा स्कैरल गन आ रही होगी, आपको डिफॉल्ट गन, उसके बाद आप गन्स तो गायब हो चुके हैं डीडीएम में, यू कांट टेक द गन। तो आपको करना होगा पहले ही, जो आपकी फेवरेट गन होती है वो आपको पहले ही सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि अब डीडीएम रियूंस पे गया तो यहाँ पर लिखा होगा लोड आउट, ठीक है, लोड आउट करने का, और आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब यहाँ पे आपको कॉलम्स मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लोड आउट वन में आप आपकी पसंदीदा गन रख सकते हो, जैसे कि M762 हो गई, ग्रोजा हो गई, जो भी गन, M4 रखना हो तो M4 रख सकते हो, ऑग रख सकते हो, हर चीज़ रख सकते हो ये करने का। और या फर्स्ट सपोज मैं समझो यहाँ पे मैं AKM लगा रहा हूँ, तो इक्विप करने से फर्स्ट मोड पे आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे ग्रेनेड भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, ग्रेनेड भी इक्विप है मेरा ऑलरेडी, और स्टन ग्रेनेड भी इक्विप करते हैं। हर लेआउट में आप जो गन चाहिए वो सेलेक्ट करके रख सकते हैं आप। तो मैं ग्रोजा सेलेक्ट करता हूँ, ग्रोजा, अरे टीडीएम में चलाएंगे भाई, मशाला ड्रॉप में से तो मिलती नहीं है ग्रोजा, तो यहाँ पे और एक गन रखा हूँ मैं M4, और M4 के साथ में जो भी है वो, और यहाँ पे देखो मजल, यहाँ पे अपने को सेलेक्ट करना होगा, अनलॉक करना होगा लेवल 13 के बाद। तो आप अनलॉक करने के बाद में ये सब ओपन करते, जैसे कि फोर ग्रिप हो गया, ये सब हो गया, तो आप अनलॉक करने पर भी आप इसको अपग्रेड कर सकते, वरना डिफॉल्ट पहले क्या होता था नए टीडीएम मोड में, मतलब पुराने टीडीएम मोड में आपको हर चीज़ इक्विप्ड आती थी फुल, एकदम फुल कंट्रोल में, आप जितना खेलोगे जितना परफेक्ट होगे उसमें उसी के साथ ही मिलता है। तो आप सेकेंड वाले ट्रे में रख लीजिए आप जो पसंद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी रखता हूँ गन पिस्टल, तो ये भी रख लेते हैं। तो नंबर 3 पे मैंने M762 रखी है, नंबर 4 पे M24 एक स्नाइपर भी रखी है। तो जो पसंद है आपको वो गन एक बार रख लेने के बाद में, आप इक्विप करने के बाद में आप मैच शुरू करिए। चलो शुरू करते हैं मैच एक। हाँ भाई जल्दी शुरू हो जा, वीडियो लंबी बनाना नहीं चाह रहा हूँ, फिर भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। ये देखो नया लेआउट एकदम खास, जूप जूप, नए साउंड इफेक्ट्स, नाइस गेम प्ले। आज भी स्मार्ट है अपन फोटो में, क्या बात है, इन लोग बहुत ही पुकारा कर रहे हैं। देखो आपको मिल गया लेआउट, सेकेंड लेआउट देखो, आप सेकेंड मैच से करता हूँ, सेकेंड M4 ले रहा हूँ मैं, तो मेरे को आ गया M4, ठीक है। जैसे ये आप एक बार मारने के बाद पर तक नहीं आओगे, ठीक है। देखो विदाउट एनी इक्विपमेंट आएगी, देखो विदाउट एनी इक्विपमेंट आ रही है, तो हम इसका अपडेट करेंगे फिर से। देखा दोस्तों कितना रिकॉइल हो रहा है, लेआउट चेंज करूंगा। मैं ग्रोजा पे जाऊंगा, ये लो ग्रोजा पे आ गया मैं फिर से। nice
ब्रो जा वो भी है शायद। तो देखा आपने मैच, एकदम किरा खेलते ना अपन, पता है ना भाई लोग अपन पीरो नहीं है, ठीक ठाक खेल लेता हूँ कभी कभार। तो देखो आपको अटैचमेंट नहीं मिलेगा ना, तो हर चीज़ में आपको अटैचमेंट भी लगानी पड़ेगी, जैसे कि आप यहाँ पे जाने पर आपको मजल, आप ये सब मतलब मजल जो है ना आप लेवल 8 लेवल पे साइट तो मिल जाएगी आपको, पर अब मतलब एक्सटर्नल मैग वगैरह और ग्रोजा के लिए सब प्रेशर वगैरह ये सब मतलब जैसे तुम लेवल हाई करते जाओगे जब आपको पूरे चीज़ मिलते जाएंगे। पर तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ साइट मिली है ना, टीम आपको रेड डॉट भी नहीं मिली, जब लेवल 2 पार्क होगा मेरे को रेड डॉट मिलेगा। और मजल की देखो कॉम वेम कुछ नहीं है, तो ऐसा करना चाहिए। तो इसी के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कर दो भाई लोग और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना जिसको ये प्रॉब्लम है और बता देना। तो मिलते हैं फिर अगली बारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़।